माय चैनल इट्स मी दीप्ति लंगन। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, बट कैसे करने वाले हैं शायद वो आपको टाइटल से नहीं पता लगा होगा। उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, और क्या क्या हम इस वीडियो में चीज़ें करने वाले हैं उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। फेस पैक की, फेस पैक आपको यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएंगे, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, इस स्किन के लिए, उस स्किन के लिए, जाने कौन कौन सी स्किन के लिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और बट ये जो मैं आपको फेस पैक बताने जा रही हूँ ये ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए है। पर अगर आपने ये फेस पैक एक बार लगा लिया फिर उसके बाद आपको शायद कोई भी फेस पैक लगाने का मन भी नहीं करेगा। अंदर वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग इफेक्ट चाहिए तो ये वाला फेस पैक आपके लिए ही बना है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं ना, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में पहली ही बार में आपको इतना डिफरेंस आपकी स्किन में नज़र आ जाएगा, आप मुझे डेफिनेटली थैंक्स बोलोगे इस चीज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, कैसे हमको इसको तैयार करना है और क्या इसका रिजल्ट है। लाइव डेमो, लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी करके। बात करते हैं आज इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज़ करे हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर ये फेस पैक बना है। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड, आलमंड यानी बादाम। बादाम से, बादाम हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं नाइट में आलमंड ऑयल लगाकर अपने चेहरे पर सोते हैं, उससे क्या होता है मॉइस्चर आपकी स्किन को मिल जाता है। इसके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ करा है वो है रेड लेंटिल। इसके अंदर भी भर भर के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं और आपके जो डैमेज सेल होते हैं या ब्लिमिशेस होते हैं उसको ख़त्म करते हैं और आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ और एकदम शाइनी बनाते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है चिरौंजी। चिरौंजी जो होता है आपको ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे मिल जाएगा, आपको इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है वो चिरौंजी। भी मैंने इसके अंदर इसलिए यूज़ करी है क्योंकि वो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को बहुत कम करती है, आपकी जो स्किन को बिल्कुल लाइटर की तरफ लेके जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो उसके अंदर से ऑयल निकलता है जब हम उसको पीसते हैं या उसके अंदर से जो ऑयल निकलता है, बहुत सारे लोग चिरौंजी का ऑयल अपने फेस पे लगाते हैं क्योंकि उनकी ताकि उनकी स्किन जो है वो फेयर हो जाए। चिरौंजी का जो ऑयल होता है वो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और जब हम इस फेस पैक को बनाते हैं उसमें से उसका ऑयल भी सिक्रेट होता है, इसीलिए फेस पैक जो है बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही आलमंड ऑयल जो होता है उसके अंदर जब भी हम आलमंड को ग्राइंड करते हैं थोड़ा बहुत ऑयल उसमें से निकल ही आता है, तो इसीलिए ये जो ओवरऑल फेस पैक जो मैं बनाने जा रही हूँ इसका वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और लाइटनिंग का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन से इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट आप देखना कि आपको एक चीज़ चेक करनी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसको, इस फेस पैक को अवॉइड करना है आपको। ये नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ठीक है और आपको अगर जब आपके एक्ने वैक्ने क्योर हो जाए तब आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो ये हैं 8 से 10 आपको बादाम लेने हैं और 1 से 1.5 चम्मच आपको चिरौंजी लेनी है। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट ही होता है जो कि बहुत अच्छा काम करेगा इस फेस पैक में। और ये है हमारी मसूर की दाल जिसे रेड लेंटिल भी बोलते हैं। हमें इन तीनों को बहुत अच्छे से फाइनली पाउडर बना के रखना है और देखते हैं हम इसको कैसे सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल दूँगी और इसका हमने इसका पाउडर बना लिया। जितना बारीक ये पाउडर होगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इसको अच्छे से ग्राइंड करना है आपको। अब हम देखते हैं इसको इसका पैक कैसे हम तैयार करें। 2 से 3 चम्मच मिल्क लेना है और उसमें ये जो पाउडर हमने ग्राइंड किया था उसको ऐड करना है। जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो आप उतना ही ऐड करिएगा। अगर आपको फेस और नेक के लिए बनाना है तो आप उसके हिसाब से अपना जैसे 2 से 3 स्पून जैसे भी आपको लेना है। ये वाला फेस पैक इतना अच्छा काम करेगा ना, इसमें से जो ऑयल निकलता है इसके अंदर जब हम इसको ग्राइंड करते हैं वही बेसिकली आपके चेहरे पे निखार देगा। इसका हमको एक पेस्ट टाइप तैयार करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर, तो आप देख सकते हैं इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये हमने इसको दूध में मिलाकर 2 चम्मच दूध के अंदर मिलाकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है।
ये आपको अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना है और देखते हैं अप्लाई करने के बाद इसका कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। चलो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे, हमको उसको कैसे लगाना है। आप फिंगर की हेल्प से अपने चेहरे को कवर, और सीरियसली इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि चिरौंजी जो रहती है उसमें से खुशबू भी आती है आपके, आपको आपको फिंगर की हेल्प से इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। मैंने अभी चेहरे को सिर्फ वॉश किया था और अपनी एक टिंटेड लिप बाम लगाई थी। आपको बिल्कुल अच्छे से आपके चेहरे पर इसको अप्लाई करना है। ध्यान रहे कोई भी जगह छूटने ना पाए, अच्छे से कवर कर लेना है। और इसका जो इफेक्ट है आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या है। आपने ढेर सारे फेस पैक ट्राई किए होंगे, तो एक फेस पैक और ट्राई करके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ इस फेस पैक को लगाने के लिए। आपको जितने एरिया में आपको इसको लगाना है, आप आराम से फिंगर की हेल्प से इसको लगाना है। मैं आपको अभी 30 मिनट्स के बाद इसका इफेक्ट दिखाऊंगी, और कैसे मैंने इसको लगाकर इसका इफेक्ट दिखाने के बाद मैंने कैसे इसको मैंने सुखाने के बाद मैंने इसको कैसे धीरे धीरे इसको ड्राई किया। हमने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया है, कोई जितना मुझे लगाना है, अगर आपको यहाँ तक लगाना है आप यहाँ तक लगाइए, जहाँ पर भी आपको लगाना है। मुझे इतना ही चाहिए था तो इसलिए मैंने इतना ही लगाया है। ये अब ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होते ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर या रोज़ वाटर जो भी है, वाटर हो वाटर लगा सकते हैं, रोज़ वाटर हो तो रोज़ वाटर लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा पानी लेके इसको ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि जो इसके अंदर जो ऑयल जो निकले हैं ना इस फेस पैक के अंदर, वही आपकी स्किन को आपकी स्किन के लिए बेनिफिट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को बिल्कुल वॉश कर लिया, देखो पानी भी मैंने अभी साफ नहीं किया अपने फेस से, और आप देख सकते हो कि इतना शाइनी और इतना ब्राइट लग रहा है मेरा फेस। मैं भी आपको एक बार इतना शाइनी मेरा फेस लग रहा है, और मैंने कुछ भी अपने चेहरे पर इवन अप्लाई भी नहीं किया है, और ये शाइन देख रहे हैं आप, ये वाली शाइन आपको पूरे चेहरे पर देखने को मिलेगी, और आपका कलर भी फेयर फील होगा आपको। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना भूल गई, ये आपके फेशियल हेयर को तो रिमूव करता ही है, दूसरा जब आपको इसको वॉश करना है आपको सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करना है, और तब जाके आपको इसको रिमूव करना है। उससे क्या होगा, आपके चेहरे पर स्क्रब भी काफ़ी काम करेगा ये वाला फेस पैक। तो ये 2-in-1 हो गया, फेस पैक प्लस स्क्रब भी कर रहा है और आपकी स्किन को ग्लो भी दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल पर, नए देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, बेल आइकॉन होगी, प्लीज़ उसको प्रेस करना ना भूले, और लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। इतनी अच्छी वीडियो के बदले एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसे और भी सारी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। बाय, स्टे ट्यून्ड।